धन्यवाद है संगरूर हल्के दे लोकां दा जिन्होंने पूरी निडरता दे नाल खुले दिल दे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी का साथ दिता। जिन्हें भी तंत्र मंत्र से इन्होंने हर एक चीज़ इतने इंप्लीमेंट की हुई सी कि असी इस सीट नू जीतीए और ये सीट तो खास करके आम आदमी पार्टी की राजधानी उन्होंने गढ़ मनी जाती सी। भाई सिद्धू मूसेवाला जी ने भी अवेयर किया बट अज सडनली एक बैड न्यूज़ भी मिलती हैगी है कि उन्होंने एस वाई एल सोंग है जो बैन कर दिता जाता है तो कित ना कि सरकार डरिया हुई ने घबराई हुई ने कि वह सोंग है जो पंजाब की नौजवानी एक इंस्पीरेशन दे रहा एक सेह दे रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी सी ना तो उसका कारण यह कि लोग बदलाव चाहते थे अकालिया तो कांग्रसियों तो बदलाव चाहते से उत्थे कोई वोटा अरविंद केजरीवाल नहीं पईआं कोई वोटा झाड़ू नहीं पईआं वोटा सिर्फ एक बदलाव नूं पईआं ने क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं सीगा। पंजाब दे मुद्दों नूं लैके किते ना किते उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दे हक नहीं दित्ते पर हुण लोग जाग चुके लोग आपके हकों लई अड़नगे खड़नगे लड़नगे तो आपके हक लैके रहणगे। रहमत टीवी दे नाल जुड़ियो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल आकांक्षा। संगरूर जिमनी चोन दे विच इक इतिहासिक बदलाव आया है। तुसी जानदे हो कि 3 महीने पहला आम आदमी पार्टी की सरकार सूबे दे विच मंडी और 92 जिहड़े MLAs ने पंजाब दे जिहड़े लोग ने पंजाब की आवाम है वह बनाउंदे ने आम आदमी पार्टी दे पर जिमनी चोन संगरूर की गल कर लिए तां इत्थों भगवंत सिंह मान 9 साल लगातार एज MP सर्व करते रहे ने पर हुण जदों CM बन गए सी तां सीट वेकेंट हो गई सी और दोबारा जदों बायपोल्स होईयां ने तां सिमरनजीत सिंह मान एक वड्डी जित प्राप्त करदे ने। सिमरनजीत सिंह मान जो कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे नुमाइंदे ने उहदे सरप्रस्त ने और उहनां दी खासियत इह है कि उह खालिस्तान नूं सपोर्ट करदे ने और टसल जिहड़ी है उहनां दी हिंदू कम्यूनिटी पार्टीज़ दे नाल उहनां दी चलदी रहिंदी है। तो साढ़े नाल नवजोत कौर लंबी ने नवजोत कौर लंबी दे नाल गलबात करदे आ अक्सर असी देखिया नवजोत नूं कि वह सिमरनजीत सिंह मान और लखा सिधाणा जिस तरह हो गए उन्हां दी सपोर्ट दे विच अगे आउंदे रहे ने पर इस तो पहला जे आपां नवजोत दे सियासी करियर की गल करिए तां शुरुआत इन्हां दी भी आम आदमी पार्टी तो ही होई सी और बड़ा बेबाकी दे नाल असी जाणदे आ कि नवजोत बोलदे ने जाण लैंदे आ नवजोत तो कि किस तरह देखदे ने कि जिहड़ी एड्डी इंपॉर्टेंट सीट सीगी आम आदमी पार्टी दे लई बड़ा जोर भी उन्हां वल्लों लगाया गया। नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल संगरूर विखे आके रोड शो करते हैं पर फिर भी उन्होंने झोली यह सीट नहीं पई। सत श्री अकाल नवजोत हो भाई जी। मैं बहुत वधिया सत श्री अकाल जी ते सारे ही जिन्ने भी मेरे सत्कारयोग वीर ते भैणां जुड़े हुए ने सब नूं सत श्री अकाल जी। मेरे वल नवजोत किस तरह देखदे हो तुसीं संगरूर की सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट सीगी और 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी की मतलब बनी है सरकार पंजाब दे विच क्यों तुहानूं लगदा कि पंजाब दे लोक या संगरूर दे लोक बेमुख हो गए आम आदमी पार्टी जी। सब तो पहलां तां सारे ही जिहड़े मैनूं देख रहे ने सब नूं बहुत बहुत मुबारकां जी खास करके संगरूर हलके दे लोकां नूं और जिन्ने भी विदेशां दे विचों मेरे वीर ते भैणां जुड़े हुए ने क्योंकि इह उह सीट सी जिहते अज हर एक दी नज़र बनी हुई सीगी पूरे पंजाब भर दे लोकां दी क्योंकि साडियां आसां सीगियां उम्मीदां सी हर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया दे जरिए भी कंपेन कीती जो इत्थे नहीं पहुँच सकदा सी कि असी इस सीट ते जित दर्ज करिए और अज उम्मीदां उह आसां पूरियां हो गईआं और इहदे लई सब तो वड्डा धन्नवाद है संगरूर हलके दे लोकां दा जिन्हां ने पूरी निडरता दे नाल खुले दिल दे नाल सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी का साथ दिता। और उस तो अगली गल ये रही कि आम आदमी पार्टी तो लोग क्यों बेमुख होए क्यों नाराज़ होए तुसी देखो कि 82 MLA 8 कैबिनेट मंत्री 2 मुख्यमंत्री 10 राज्यसभा मैंबर और मैं लगता पूरे पंजाब का पंजाब छोड़ो हरियाणा राजस्थान के जिन्ना कि स्ट्रक्चर है पूरे पंजाब के जिला प्रधान सर्कल इंचार्ज सारे का सारा ढांचा इन्होंने लिया के संगरूर हल्के वाड़ता सीगा पूरा ताम जाम जिन्हें भी तंत्र मंत्र से इन्होंने हर एक चीज़ इतने इंप्लीमेंट की हुई सी कि असी इस सीट नू जीतीए और यह सीट तो खास करके आम आदमी पार्टी की राजधानी उन्होंने गढ़ मनी जाती सी। सो इन सारे हालातों के जेकर आम आदमी पार्टी हार रही है ना तो वह इको एक कारण है कि संगरूर हल्के दे लोग ये गल समझ गए थे कि जेड़े आगू जेड़े नुमाइंदे असी चुन के भेजे है ना वो पंजाब के हकों की गल नहीं कर रहे और दिल्ली तो कोई मैसेज आता है दिल्ली तो कोई तार हिलाई जाती है तो यह कोई भी पंजाब का मुद्दा चक
सकते हैं। अज तुसी देख लो साढ़े यूनिवर्सिटी का मुद्दा हैगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का, इन्हों का कोई भी पहला तो कोई MLA कोई इन्हों का बोलिया नहीं गा, अथॉरिटी के बैठा होया। उस तो जो कई दिन बाद कोई दिल्लियों मैसेज आता कि तुम इन्नी एक स्टेटमेंट दो तो उस स्टेटमेंट दिता जाता, और स्टेटमेंट में पंजाब के लोग चंगी तरह समझते, सिर्फ यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है। चाहे असी पंजाब के पानिया की गल कर लिए, साढ़े भांखड़ा ब्यास जोड़ा मैनेजमेंट का मुद्दा से उन्होंने गल करिए, चंडीगढ़ की गल कर लिए, और साढ़े बोलते इलाक की गल करिए, पंजाब के लॉ एंड जोड़ा सिस्टम ऑर्डर सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, उन्होंने किदा मैनेज करना है। कितना हले जी साब की सरकार है इनू इंडिपेंडेंस ही नहीं दी गई, इन्हों फ्रीडम ही नहीं दी गई, जिमें दिल्लियों कहें उमें करना पैदा, और साढ़े पंजाब के लोगों को कद भी मंजूर नहीं आ। और जेकर 3 महीने पहला लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी सी ना, तो वह कारण यह कि लोग बदलाव चाहते थे, अकालिया तो कांग्रसियों तो बदलाव चाहते से, उत्थे कोई वोटा अरविंद केजरीवाल नहीं पईं, कोई वोटा झाड़ू नहीं पईं, वोटा सिर्फ एक बदलाव न पाइया ने, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं सीगा। पर अज संगरूर दे लोकां ने जो फर्जी बदलाव सीगा, फर्जी इनकलाब की गल करते से, उन्हूं वॉच कर लिया, और अज उस बदलाव दे विचों बदलाव कढ़ता हैगा, और पंजाब दे विच मैनूं लगता हैगा एक नवे प्लेटफॉर्म का बूटा जिहड़ा संगरूर हल्के दे लोकां ने लाता हैगा। तुसीं कहा भी दिल्ली तो हुक्म आउंदा है, पर की कारण है कि जिहड़ी पंजाब ते दिल्ली आपस च तसलबाजी रहिंदी है, क्यों? क्योंकि नैशनल कन्वीनर ने अरविंद केजरीवाल वो पार्टी नू चला रहे ने, पार्टी दे सरप्रस्त ने, और जे आपां गल करिए तां श्रोमणी अकाली दल उन्हां दी भी BJP दे नाल 10 साल उन्हां दा गठबंधन रहा है, और सेंटर दे विच हरसिमरत कौर बादल मिनिस्टर रहे ने, तां उन्हां ने भी जिहड़ा है केंद्र दी मदद दे नाल काफ़ी कुछ वो इस चीज़ दा दावा करदे ने कि असीं कीता। और इस तों इलावा कांग्रेस पार्टी दा सीधा ही पंजाब च कांग्रेस तो सेंटर दे विच कांग्रेस पार्टी वड्डियां पार्टियां ने बिना मतलब आपां एक हेल्प तो केंद्र दी हेल्प तो या असी नैशनल कन्वीनर ने वो पहला मुख्यमंत्री रह चुके ने, भगवंत मान दा नवा एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री होण दा, फिर इस गल ते क्यों इतराज़ पंजाबियों नूं? देखो आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस की तो आप गल करिए तो एक सिमिलर पार्टी हैगी है ना, पर पंजाब दे लोकां नू हमेशा ये डिमांड सी कि असी उन्हां आगुआं नू चुनिए जिहड़े पंजाब तो गल करन। हाँ, इस तो पहलां दी गल कर लिए तो साडे कोल सोशल मीडिया नहीं सीगा, शायद लोग उन्ना अवेयर नहीं सीगे, बट ज्यों सोशल मीडिया का दौर आया हैगा तो लोगों ने पंजाब के मुद्दे, खास करके नौजवान पीढ़ी ने, जो साडा हिस्टरी रही है पंजाब की, किस तरह साढ़े पंजाबी जिहड़ी कम्यूनिटी है सिख कम्यूनिटी आ वो लड़ी हैगी जुलम के खिलाफ, उन्होंने चीज़ों नू वॉच किया, उन्होंने चीज़ों इंप्लीमेंट करके वेखिया, मतलब फील किया उस चीज़ को, और उसने इन्नी अवेयरनैस फैलाई कि साढ़े पंजाब के नौजवान आपके हकों के प्रति जागरूक हो गए, और सानू एक अजिहे इंडिपेंडेंट धिर की लोड़ हैगी जिहड़ी पंजाब तो चले। रही गल सेंटर नाल, हाँ बहुत सारे इशूज़ होंगे ने जिथे एक सरकार नू, किसी भी स्टेट की सरकार नू सेंटर दे नाल कोलैबोरेशन करनी पैंदी है, बट वो इशू वो होण जिहड़े साढ़े स्टेट के फेवर दे विच होण, ना कि असीं उन्हां दे थल्ले लग के चलीए। हाँ, बहुत जिहड़ियां आपां पार्टियां की गल करदे आं जिन्हां ने पंजाब की सत्ता ते रूल किया, उन्होंने इस दे विच खास करके वड्डी भूमिका निभाई है कि पंजाब के मुद्दों नू लैके किते ना किते उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया हैगा, पंजाब के लोगों नू पंजाब दे हक नहीं दित्ते, पर हुण लोग जाग चुके, लोग आपके हकों लिए अड़नगे, खड़नगे, लड़नगे, तो आपके हक लैके रहनगे। नवजोत, मैं ना पिंडा दे विचों ही आई हाँ, तो तुहाडे नाल तुहानू मिलन तो पहला सतौज पिंड जाके आई हाँ। लोगों का कहना कि हजे तक 1000 रुपए का जिहड़ा वादा किया सी वह नहीं पूरा होया, और मोटरां दे बिल नू लैके जिहड़े किसान ने वह भी उस चीज़ नू लैके काफ़ी हताश ने, परेशान ने, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਨਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਜ਼, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ
ਤੇ ਹੋਇਆ देखो इस तो पहला आप बाई दीप सिद्धू की भी जो गल करिए तो उन्होंने भी जो पंजाब के लोगों को अवेयर किया उस तो बाद बाई सिद्धू मूसेवाला जी ने भी अवेयर किया बट अज सडनली एक बैड न्यूज़ भी मिलती हैगी है कि उन्होंने एस वाई एल सोंग है जो बैन कर दिता जाता है तो कितने ना कि सरकार डरिया हुई ने घबराइया हुई ने कि वह सोंग है जो पंजाब की नौजवानी एक इंस्पीरेशन दे रहा है एक सेह दे रहा है कितने ना कि उन्होंने डर बैठा होया करके जो कदम चुकया गया जी बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत सर नाल गलबात करने वास्ते सो तस्वीर सीधिया तुहानू संगरूर तो दिखा रहे हैं और रोड शो असीं धन्नवादी दौरा तुहानू दिखा सकते हैं कि सिमरनजीत सिंह मान की जित तो बाद वड्डी गिनती दे विच जिहड़े नौजवान ने उन्हां दी हिमायत दे विच उन्हां दी सपोर्ट दे विच इत्थे पहुंचे ने और रोड शो जिहड़ा हैगा रोड शो एक चल रहा है संगरूर विखे और पटाके चलाए जा रहे ने और जश्न मनाए जा रहे ने इस तो बाद सरदार सिमरनजीत सिंह मान नवे बने मैंबर पार्लीमेंट मस्तवाना साहब जड़ा हैगा नतमस्तक होणगे उत्थे आशीर्वाद लैणगे और तमाम अपडेट दे लई तुसी जुड़े रहो सुरखाब रहमत टीवी दे नाल धन्यवाद।